हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बस एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन है काफ़ी छोटा बट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, और इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलती करने से बच जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ, जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरोगे ना, BSSC मेंस के लिए जब आप लोग फॉर्म भरोगे, तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने बताया था कि अगर आपको रोल नंबर नहीं पता है और आपने PT का रिजल्ट चेक नहीं किया है और आपको पता ही नहीं है कि आपका PT हुआ है या नहीं, बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के भी लॉगिन कर सकते हो। तो आप क्या करना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर और DOB डालना, या रजिस्ट्रेशन नंबर या DOB डालना। जब मैं सारा डिटेल्स डाल के लॉगिन करता हूँ तो मेरा डायरेक्ट ये पेज खुल जाता है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। आप जब लॉगिन करोगे ना तो आपको ये पेज डायरेक्ट नहीं खुलेगा, इससे पहले एक पेज और खुलेगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना वर्तमान पता का ऑप्शन आएगा, जो कि आप चेंज कर सकते हो। बाकी कोई भी डिटेल्स जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम, पापा का नाम, परमानेंट एड्रेस वगैरह जो भी है, कैटेगरी वगैरह, कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अपने वर्तमान पता को, मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो। और जब वो चेंज करोगे तो उसके बाद आपको आएगा सेव एंड नेक्स्ट। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे, और इसके बाद आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको अपना पोस्ट प्रिफरेंस डालना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि आप सेव और नेक्स्ट तब ही करना जब आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वर्तमान पता सही से भर लेना। काफी लोग क्या करते हैं, ऐसे ही देखते नहीं है हड़बड़ा करके कि अभी तो फाइनल सबमिट किए नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, और वो बस सेव है नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद उन्हें मन करेगा कि अरे वर्तमान पता तो चेंज किए ही नहीं, जाके करते हैं फिर से, वो कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जब जब लॉग इन करोगे आप डायरेक्ट यहाँ पे आओगे तो आप के पास वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो ये मिस्टेक आप लोग मत करना, आप लोग लॉगिन करना और अच्छे से सारा डिटेल्स भर लेना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना, ठीक है। और मेंस के लिए सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सब लोगों को अच्छे से। अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया है तो आप लोग ले लो, कंप्लीट प्रिपेरेशन के लिए BSSC इंटर लेवल मेंस का, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट अच्छे से कवर करवाया जाएगा, हर सब्जेक्ट का क्लास नोट्स दे दिया जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट दे दिया जाएगा। दिन रात आपको बस ये काम करना है, दिन रात पढ़ना है, अच्छे से सब कुछ करना है और अपना सिलेक्शन को फिक्स करना है, ठीक है। 2100 प्लस स्टूडेंट ने ऐप को डाउनलोड कर लिया है। चलो तो वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें मैं बताऊंगा कि पोस्ट प्रिफरेंस कैसे भरना है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, बाय, थैंक यू।